हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ये सीरीज दो है और पहला सीरीज आप लोग नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जीन का विकल्पी रूप कहलाता है। पहला प्रश्न है जीन का विकल्पी रूप कहलाता है, तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलील। दूसरा क्वेश्चन है पीढ़ी को उसकी किसी में जनक से संकर कराया जाए तो वो कहलाता है। पीढ़ी को उसे किसी में जनक से संकर कराया जाए तो वो कहलाता है F1 क्रॉस। इनका सही आंसर हो जाएगा सी, F1 क्रॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंडल के नियम को पुनः खोज किसके द्वारा की गई थी? तो मेंडल के नियम की पुनः खोज जो है वो कॉलिंस के द्वारा, डिविरिज और सेनमार्क तीनों के द्वारा की गई थी। इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है वंशागति के गुणसूत्र सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से किसने सिद्ध किया था? तो वंशागति के गुणसूत्री सिद्धांत को प्रायोगिक रूप से मॉर्गन ने सिद्ध किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, टीएच मॉर्गन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर मेसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन डी इनका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं नृशंस प्राणी कौन सा है? तो नृशंस प्राणी जो है वो हो जाएगा कछुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा बंदर है? बैबून इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है तो वो हो जाएगा गुंजन पक्षी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावा क्रिस्टोसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा नियतापी प्राणी है? तो व्हेल नियतापी प्राणी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गोंद के समान हो जाता है। गेंद के समान हो जाता है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा कंटक चूहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैमथ का पूर्वज क्या है? यह हाथी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। देखते हैं लॉयन फिश किसे कहा जाता है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेराइस वोलियंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री चूहिया किस रूप में जानी जाती है? समुद्री चूहिया काइटिन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है। तो फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धावस्था में हड्डियों क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियों जो होती है वो क्यों कमजोर हो जाती है? कैल्शियम की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्षी के भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसन करता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यकृत चूसन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो रक्तदाब घटता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राहकता रखता है? तो ए बी हो जाएगा, तो सर्वग्राही रक्त ग्रुप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्रेब चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ग्लूकोज व एटीपी का संश्लेषण होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है, तो अंतिम उत्पाद इनका क्या होता है? लैक्टिक अम्ल इनका अंतिम उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल को जमा हो जाने से दर्द होता है पैर में, या कहीं भी अगर लैक्टिक अम्ल जमा होता है तो वहाँ पर दर्द होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो वृक्ष की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिलने का लूप का कार्य संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। हिलने का लूप का कार्य संबंधित किससे है? उत्सर्जन तंत्र हो जाएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है? मस्तिष्क के बीच में होता है। कौन सा बोन से जुड़ी होती है? स्फेनॉइड बोन से ये जुड़ी होती है और इसको मास्टर ग्रंथि भी हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एस्ट्रोजन का स्राव होता है ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। एस्ट्रोजन का स्राव कैसे होता है? ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन रड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनिल हार्मोन कहलाता है, रड़ो उड़ो हार्मोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो गैमेट के विलय से एक कोशिका संरचना का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जायगोट कहते हैं। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है तो क्या बनता है? जायगोट का निर्माण होता है। ठीक है, मेल गैमेट को अगुणित बोलते हैं और फीमेल गैमेट को भी अगुणित बोलते हैं और दोनों रचना मिलने से
द्विगुणित संरचना जायगोट का निर्माण होता है और जायगोट बदल जाता है भ्रूण में, एम्ब्रायो में।